सबके वो लगातार करते जा रहे हैं। अभी एफपीपी अचीवर है, फास्ट ट्रैक कंटिन्यूस मेंटेन कर रहे हैं 2,15,000 के इनकम के साथ। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है वो है मिस्टर ललित कुमार मंडल सर, अगेन कोलकाता रीजन से है, मार्केटिंग एक्सपीरियंस तगड़ा है। सभी पूरे भारत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे इनका नेटवर्क नहीं है। तो ये अभी तो आप देख रहे हैं इनका इनकम 2,24,000, लेकिन आने वाले कुछ ही महीनों में, आने वाले कुछ ही सालों में इस व्यक्ति को आप नेटसर्फ में करोड़पति और कैप अचीवर के तौर पर डेफिनेटली देख पाओगे। कितना सॉलिड नेटवर्क जो है वो इनका नेटवर्क के माध्यम से है, मिस्टर ललित कुमार मंडल। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर संतोष कुमार दास सर, ये भुवनेश्वर रीजन से है। ये एक लीडर थे अलग मनी मार्केटिंग में, बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे नेटसर्प में आने से पहले। कर्जा बहुत बड़ा, मतलब 10 करोड़ की लायबिलिटी के साथ ये जूझ रहे थे, और ऐसे सिचुएशन में मायूस ना होते हुए नेटसर्प का अपॉर्चुनिटी चुना और आज नेटसर्प में बहुत अच्छा काम करके फैमिली प्रोटेक्शन प्लान अचीव कर लिया है, मलेशिया का टारगेट ऑलरेडी अचीव कर लिया है, फास्ट ट्रैक का इंटरनेशनल अचीव करने जा रहे हैं, 3 लाख का इनकम कर चुके हैं। तो ऐसे सिचुएशन में नेटसर्फ ये उनको आशा की किरण के तौर पर साबित हो चुका है। तो अगर संतोष कुमार दास 10 करोड़ का लायबिलिटी होते हुए भी नेटसर्फ में करियर करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बैठा हुआ हर एक आदमी ये करियर कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर संतोष कुमार, ये पाटना रीजन से है, 2,75,000 की टोटल इनकम है। इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो ये हमारे एक ऐसे इलाके से बिलोंग करते हैं जो नक्सली इलाका है, मतलब जहाँ पे बिजनेस करना बहुत ही टफ है, लेकिन ऐसे रिमोट नक्सली इलाके में होते हुए भी ये नेटसर्फ का करियर जो है वो कर रहे हैं, लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा रहे हैं, और आज तक 2,75,000 रुपया जो है वो नेटसर्फ के साथ कमाया है। क्लब नेटसर्फ ये इनकी हॉबी है, नेटसर्फ में क्लब नेटसर्फ जो टूल है ये इनकी हॉबी है। ये किसी भी क्लब नेटसर्फ को छोड़ते नहीं, क्योंकि ये एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। तो ऐसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं, फास्ट ट्रैक में 4 महीना मेंटेन कर रहे हैं एग्जीक्यूशन 2 में। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर रमाशंकर कुमार, ये भी एग्जीक्यूशन 2 में 4 महीने से मेंटेन कर रहे हैं। 3,15,000 रुपया इन्होंने अभी तक नेटसर्फ से कमाया हुआ है। और इनके बारे में अगर मैं बताऊँ, ये भी पाटना रीजन से बिलोंग करते हैं, बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ये काम करते रहे, सफलता कहीं नहीं मिली, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा चलो कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, तो वो भी स्टार्ट किया, लेकिन उसमें भी सफलता नहीं मिली। फिर जब नेटसर्फ का करियर पता चला, इमीडिएटली पिक किया, फास्ट ट्रैक में आए, रेगुलर फास्ट ट्रैक अचीवर्स है, एग्जीक्यूशन 1 में थे, एग्जीक्यूशन में थे पहले, तो उसके माध्यम से उन्होंने अपना कोस्टा क्रूज का सपना पूरा किया, और आज इस फास्ट ट्रैक के माध्यम से और एक इंटरनेशनल, और क्लब नेटसर्फ के माध्यम से एक इंटरनेशनल ऑलरेडी ये अचीव कर चुके हैं मिस्टर रमाशंकर कुमार सर। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप सभी लोग डेफिनेटली नेटसर्फ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये एग्जीक्यूशन 2 में जिन्होंने 5 बार अपना फास्ट ट्रैक अचीव किया, ऐसे हमारे नेक्स्ट अचीवर जो है वो है मिस्टर नसीरुद्दीन मौला सर। तो नसीरुद्दीन मौला सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, और हम सुनते हैं नसीरुद्दीन मौला सर को कि इन्होंने ये सक्सेस कैसे अचीव किया। नसीर सर, मेरा नाम एमडी नसीरुद्दीन मौला, मैं कलकत्ता से हूं। एक्चुअल स्टार्ट किया हम 2019 से, जून महीना से मेनली फुल काम स्टार्ट किया, छोटा छोटा टीम बना, हर टीम में राइजिंग स्टार लेवल 1 के करने के लिए एक जगह से बिजनेस नहीं आएगा, हम डिफरेंट डिफरेंट टीम बनाया। ये फायदा सर हमें लॉकडाउन में, हम जनवरी 2020 से हमने फर्स्ट ट्रैक में आए, लेकिन डबल फिर भी लॉकडाउन चलते सर मेरा अभी तक भी मेरा मेंटेन करने के लिए कोई प्रॉब्लम्स नहीं आया, ये हम कंटिन्यू करते गया। हमें पता चला ये राइजिंग स्टार लेवल 1 के मेरा मूल मंत्र है कि हमें बिजनेस आगे बढ़ा रहा, लॉकडाउन में भी हम बिजनेस कंटिन्यू किया, तो हम कर सकते हैं, सब कोई कर सकता है सर। थैंक यू सर, वेरी गुड। तो नसीर सर ने लॉकडाउन में भी नेटसर्फ का एक टूल जिसका नाम है राइजिंग स्टार, मतलब देखिए एक टूल का इस्तेमाल करके नसीर सर 5 बार फास्ट ट्रैक मेंटेन कर चुके हैं। ऐसे नेटसर्फ के साथ कई टूल है, मतलब राइजिंग स्टार है, क्लब अस्मिता क्लब सेशन का लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है, क्लब नेटसर्फ है, आइकॉन है, मिशन कैप है, कोई भी टूल यूज कीजिए आप सक्सेसफुल हो सकते हैं नेटसर्फ में। नसीर सर केवल एक टूल की वजह से ये सक्सेसफुल हो पाए। ये रहते तो कोलकाता में है लेकिन बिजनेस गुवाहाटी में करते हैं। देखिए तो कोलकाता से गुवाहाटी में लॉकडाउन के सिचुएशन में जब आदमी कोलकाता में घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था,
ये गुवाहाटी का बिजनेस हैंडल कर रहे थे घर बैठ के स्क्रीन टू स्क्रीन के माध्यम से। तो अगर नसीर सर कर सकते हैं तो आप सभी लोग 100% यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट जो हमारे इंजेक्शन 2 के 5-time अचीवर है वो है मिस्टर भाईधर जना। ये हमारे भुवनेश्वर रीजन से बिलोंग करते हैं। ये एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर है, तो परफेक्शनिस्ट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट कह सकते हैं हम इनको। जब भी मैं इनको मिलता हूँ ये परफेक्शन के थोड़ा सा करीब जाने की हमेशा कोशिश करते हैं। तो 5 बार इन्होंने फास्ट ट्रैक मेंटेन करते हुए इनका टोटल इनकम अगर हम लोग देखते हैं तो वो 3,34,000 रुपया नेटसअप में अभी तक इन्होंने कमाया है। और लॉकडाउन की सिचुएशन में अप्रैल और मई ये 2 महीनों में इन्होंने 84,000 रुपीज नेटसअप। तो अभी जो बता रहा है, देखिए अभी सबसे बड़ा बात है फास्ट ट्रैक। आप लोगों को मालूम है जो जुलाई में फास्ट ट्रैक आने वाला है, और इसलिए फास्ट ट्रैक को हम लोग सबसे ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए जो फास्ट ट्रैक के माध्यम से कितना सारा लीडर है जो अपना करियर बना रहा है, अपना लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंजेस लेके आ रहा है। एंड मतलब नेटसअप में शुरुआत जनवरी में किया और 5 महीना खत्म हुआ, 5 महीने के अंदर इन लोगों ने इंटरनेशनल टूर अचीवमेंट कर लिया। आप सोचिए कितना बहुत बड़ा बात है। और उसके साथ साथ सिर्फ उनका पेआउट सेट नहीं हुआ, इसका टीम भी सेट हो गया क्योंकि फास्टैग मतलब हर महीने में जितना भी हमारा लीडर्स है हर महीने का बिजनेस ये लोग मेंटेन कर रहे हैं, हर महीने का बिजनेस मेंटेन करते हुए काम कर रहे हैं। और ऐसा मतलब लीडर्स हमारा सामने स्पीच रख रहा है जो नेटसअप में 5 महीना कंटिन्यू फास्टैग को मेंटेन किया, सबसे बड़ा बात है। मार्च महीना क्या परिस्थिति था आपको मालूम है, मतलब क्लोजिंग एकदम ही बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन था लॉकडाउन में कोरोना वायरस के लिए, लेकिन उस टाइम भी ये लोग फास्टैग को मेंटेन किया, उसके बाद भी अप्रैल में भी मेंटेन किया गया। ओके सर, तो अरूप कुमार सोम सर जो है इनसे हम लोग मिलेंगे क्योंकि लॉकडाउन में भी इन्होंने महीना 1,00,000 रुपया इनकम कमाया है। तो ये बंदे को तो सुनना बनता ही है। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर अरूप कुमार सोम सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, आई एम अरूप कुमार सोम फ्रॉम कोलकाता रीजन, अटैच नेटवर्क सिस्टम लॉन्ग टाइम। दिस सिचुएशन वॉज वेरी हार्ड इन लॉकडाउन पीरियड, बट माई नेटवर्क एक्सपीरियंस एंड मेंटल स्ट्रेंथ help me in this situation. My income rupees 2,38,037 in that situation. In this period we are physically detached, but with the help of mobile apps we are able to connect each other mentally. I also encourage my heartline all times and hope I will achieve the cap very soon. I think mental strength and proper system help me more. If I can, you can. Yes, very good. Arup sir, बहुत बढ़िया। अरूप सर ने बताया कि वो आने वाले कुछ ही समय में नेटसअप में डेफिनेटली कैप अचीव करेंगे। तो ये डिजिटल सिस्टम के माध्यम से इन्होंने नेटसअप में बिजनेस आगे बढ़ाता बढ़ाते रहे और नेटसअप के सारे टूल्स को इस्तेमाल किया और आज 1,25,000 रुपये इनकम नेटसअप में अरूप कुमार सोम सर कर रहे हैं। तो अरूप कुमार सोम सर के लिए एक बार आप जहाँ पे बैठे हैं जोरदार तालियां एक्सपेक्ट करूंगा कि बहुत बढ़िया इनकम जो है वो नेटसअप में इन्होंने किया है। तो अगर अरूप कुमार सोम कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से आज के जो 750 लोग हम लोग हैं यहाँ पे, इनमें से कोई एक बंदा ऐसा हो सकता है जो आने वाले 1 महीने में 2 महीने में 4 महीने में अरूप कुमार सोम बन सकते हैं। अरूप सोम सर क्या, यू ऑल कैन। आगे बढ़ते हैं हमारे कोर 1 कैटेगरी की तरफ, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो फास्ट ट्रैक है ये मेंटेन करने के लिए लॉकडाउन के सिचुएशन में भी महीना अराउंड 2,50,000 रुपए का बिजनेस जो है वो पर मंथ ये करते रहे। देखिए जहां पे घर से बाहर निकलना मुश्किल है वहां पे लोग 2,50,000 का बिजनेस कैसे ये डिजिटल स्क्रीन टू स्क्रीन के माध्यम से कर रहे हैं, ये आप ही के जैसे लोग हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं मिस्टर सौरभ मुजुमदार सर से। ये हमारे कोलकाता रीजन के बहुत ही बढ़िया अचीवर हैं। नेटसअप में ये एक स्टॉक पॉइंट ओनर भी है और पिछले 1 साल से फुल टाइम नेटसअप एज ए करियर के तौर पर कर रहे हैं। कुल 4,45,000 रुपया नेटसअप से कमा चुके हैं सौरभ मुजुमदार सर। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर मनोज सिंह सर, ये पटना रीजन से बिलोंग करते हैं। 5,00,000 रुपए का इनकम इनका हो चुका है, नेटसअप के सिल्वर क्लब में है और बहुत अच्छा काम इन्होंने पिछले 4 महीनों में नेटसअप के साथ किया हुआ है।
कंटिन्यूअस फास्ट ट्रैक में बने हुए दो बहुत ही कम समय में सक्सेस अचीव किया। जुलाई 2017 से ये नेटसअप में काम कर रहे हैं, मतलब आप देखते हैं तो दो ही साल के अंदर ये 5 लाख इनकम कमा के नेटसअप में सिल्वर क्लब हो चुके हैं और आज महीने का कैसे भी हुआ तो 50,000 से कम तो ये नेटसअप के माध्यम से कमाते नहीं है। तो सिल्वर क्लब इन जस्ट 2.5 ईयर्स, बहुत बढ़िया अचीवमेंट और सारे टूल्स का खूब इस्तेमाल करते हैं मनोज सिंह सर। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर हिमांशु दास, ये भुवनेश्वर रीजन से बिलोंग करते हैं हिमांशु दास सर, और इनके बारे में मैं अगर थोड़ा सा आपको बताऊं तो ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉय के तौर पर काम करते हैं, मतलब यहाँ पे काम करते करते इन्होंने पार्ट टाइम इवनिंग आवर्स में, मतलब ये दिन के सिर्फ 2 या 3 घंटे ही नेटसअप के साथ काम करते हैं। तो अगर कोई यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि सर मेरे पास काम करने के लिए टाइम नहीं है, क्या मैं नेटसअप में करियर कर सकता हूँ, तो इनको देखिए हिमांशु दास सर को, ये 2 या 3 घंटे नेटसअप के इवनिंग आवर्स शाम के 2 घंटे काम करके नेटसअप के साथ 5,13,000 रुपया कमाए इन्होंने, फास्ट ट्रैक भी मेंटेन कर रहे हैं और आने वाले कुछ ही समय में कैप अचीवर भी नेटसअप में ये 100% होने वाले हैं। नेचुरल मोर किड्स के साथ करियर को स्टार्ट किया, मतलब अपने बच्चे के लिए एक प्रोडक्ट लिया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया, करियर स्टार्ट किया, गाड़ी फास्ट ट्रैक पे चलने लगी। तो आप भी हो सकते हैं कोई आप में से जो एक प्रोडक्ट के साथ करियर स्टार्ट किया और आगे बढ़े। और नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर गौतम दास सर, ये भी कोलकाता रीजन से बिलोंग कर रहे हैं, 5,35,000 रुपये का इनकम है, 4 महीने से कंटिन्यूस फास्ट ट्रैक मेंटेन कर रहे हैं, फुल टाइम नेटवर्क कर रहे हैं, 15 साल का एक्सपीरियंस है, सारा एक्सपीरियंस नेटसअप के साथ यूज करने में लगे हुए हैं और कुछ ही समय में नेटसअप में 100% कैप जो है वो अचीव कर लेंगे, क्योंकि फास्ट ट्रैक के 3 पायदान इन्होंने ऑलरेडी अचीव कर लिए, बचे सिर्फ 3। तो ये आने वाले 3 पायदान आने वाले 1 से 1.5 साल में अचीव करके ये नेटसअप में 8,19,250 रुपया या 100% ये सभी लोग कमाते होंगे। तो इनके चेहरे ध्यान से देखिए, ये आने वाले करोड़पति और कैप अचीवर से। मिस्टर शशांता महाराणा भुवनेश्वर रीजन से बिलोंग करते हैं और इनके बारे में अगर बताए तो एक ट्रेडिशनल बिजनेस है इनका खुद का, बिफोर ज्वाइनिंग नेटसअप ये ट्रेडिशनल बिजनेस करते थे, लेकिन जैसे ही इन्होंने नेटसअप की अपॉर्चुनिटी देखी, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारा लॉस इनको ऑलरेडी हो चुका था और इस लॉस के चक्कर में वो बिजनेस जो है वो शट डाउन करने की कोशिश में थे, जुगाड़ में थे, और ऐसे में उन्होंने नेटसअप की अपॉर्चुनिटी देखा, यहाँ पे देखा उन्होंने कोई लॉस नहीं होगा, रिस्क नहीं है, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं, और ऐसा करते हुए 5,37,000 रुपया अभी तक नेटसअप से कमा चुके हैं। और अगर देखा है तो महीने का बिना टेंशन का बिना किसी लॉस का 50,000 रुपया इनकम जो है वो नेटसअप में कंटिन्यूसली कमा रहे हैं। तो शशांता महाराणा सर जो भुवनेश्वर रीजन के हमारे अचीवर है। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर अभिजीत मोहंता, नेक्स्ट अगेन एनर्जेटिक लीडर, सुपर टैलेंटेड, एक फुल टाइम नेटसअप में काम करने वाले लीडर। इनका अगर इनके बारे में बताऊँ ना तो ये बेसिकली फिल्म लाइन के है, मतलब इनका जो फर्स्ट चाहत है वो फिल्में बनाना है या फिल्मों में काम करना है, लेकिन ऐसे में भी इन्होंने नेटसअप को एज ए करियर के तौर पर काम करना स्टार्ट किया, बहुत जगह ट्राई किया फिल्मों का फिल्म करियर में लेकिन नहीं हो पाया। फिर उन्होंने देखा कि नेटसअप ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे मैं मतलब वहाँ पे तो मैं शायद रियल लाइफ का हीरो बन सकता हूँ, मूवी में थिएटर वाला हीरो बन सकता हूँ, लेकिन नेटसअप के साथ मैं रियल लाइफ का हीरो बन सकता हूँ, और ये इन्होंने प्रूव करके दिखाया ये नेटसअप में रियल लाइफ हीरो बन चुके हैं और अपने साथ साथ कई लोगों के करियर ये आज नेटसअप में बना रहे हैं अभिजीत मोहंता सर। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर अंकित अग्रवाल सर, बहुत ही कम उम्र में नेटसअप में जुड़ गए हैं और बहुत ही कम उम्र में नेटसअप के साथ काम करते हुए आज एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जो है वो ऑलरेडी बन चुके हैं। ही स्टार्टेड हिज करियर हिज फर्स्ट कंपनी नेटसअप, ये इनका पहला कंपनी है और 25 साल के एज में ही ये नेटसअप में अपना करियर जो है इन्होंने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है वो है मिस्टर मनोज महोपात्रा सर, ठीक है। इनके बारे में अगर मैं बताऊँ तो ये भी एक एम्प्लॉई है, पार्ट टाइम में काम करते हैं, पार्ट टाइम में नेटसअप में काम किया था, अभी ये फरवरी में हाल ही में रिटायर हो गए हैं और रिटायरमेंट के बाद वो क्योंकि ये पीएसयू में काम करते थे, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते थे, तो इन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई क्या बोलते हैं रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है ऐसे कुछ तो यहाँ पे मिलने वाली थी नहीं, लेकिन जो बिजनेस इन्होंने रिटायरमेंट के पहले स्टार्ट किया नेटसर्व का, ये शायद उन्हें पेंशन मिलती तो भी जितनी नहीं मिल सकती थी उससे ज्यादा आज ये फास्ट नेटसर्व के माध्यम से कमा रहे हैं रिटायरमेंट के बाद भी। आज 90,000 रुपया महीना महोपात्रा सर जो है वो कंटिन्यूसली नेटसअप के माध्यम से कमा रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं तो
हमारे नेक्स्ट अचीवर है मिस्टर सुमंत कुमार जैना सर। तो ये एक ट्रेडिशनल बिजनेसमैन है और हैवी लोन का प्रेशर था, मेंटल प्रेशर में थे बहुत ज़्यादा, लेकिन आज अगर देखते हैं तो 8 लाख के करीब नेटसअप में ऑलरेडी कमा चुके हैं, कोर वन लीडर है, 4 बार इन्होंने मेंटेन किया है। नेक्स्ट जो हमारे लीडर है मिस्टर संजय साहा सर, गवर्नमेंट वर्किंग में है, बहुत साल का एक्सपीरियंस है और पिछले कुछ सालों से नेटसअप के साथ जुड़े हुए हैं, 3 इंटरनेशनल टूर अभी तक नेटसअप के माध्यम से कर चुके हैं, 10 लाख के करीब का इनकम जो है उन्होंने नेटसअप में कमा लिया है। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर विष्णु पदा जना सर, इनके लिए मैं जोरदार तालियां चाहूंगा क्योंकि बहुत ही एनर्जेटिक पर्सनालिटी, 15 लाख के करीब का इनकम नेटसअप में इन्होंने कमा चुके हैं और ये लॉकडाउन के सिचुएशन में अप्रैल और मई ये 2 महीने का अगर इनका इनकम देखे हुए तो वो है 4,02,000 रुपए का, मतलब 2 लाख रुपए महीना लॉकडाउन में कमाने वाले बंदे से मिलने वाले हो भाई, तालियां तो बनती है। इनकी तरफ से बातें सुनने से पहले मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको शायराना अंदाज में कहना चाहूंगा कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो ऐसे लड़ने वाले विष्णुपदा जना सर से हम अभी मिलने वाले हैं। ओवर टू यू विष्णुपदा सर। जुड़ने का पहले मैंने एक फाइनेंशियल कंपनी में काम किया था, 100 करोड़ का लगभग मैंने बिजनेस दिया था, कंपनी डूब गया तो मैं फंस गया, पूरा मुसीबत में था। तो जब नेटसर से जोड़ा हुआ, जुड़ने से 2018 से मैंने काम शुरू किया नेटसर, तो करते 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 मैंने 2 साल 4 महीना हुआ मेरा नेटसर का, लगभग टोटल 15,31,307 रुपया मेरा रोजगार हुआ। लॉकडाउन सिचुएशन में अप्रैल और मई महीना में जो पेंडेमिक सिचुएशन में 4,02,000 इनका भी हो गया, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ सारी टीम को जिन्होंने आज जूम मीटिंग पर आया है गेस्ट को, मैं भी कैरियर कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। दो दो बार मैंने फॉरेन ट्रिप अचीव कर लिया, वो 3 फॉरेन ट्रिप भी अचीव हो गया फैमिली के साथ, दो दो बार आइकन में अचीव भी हो गया, सॉफ्टवेयर प्रेसिडेंट क्लब में भी घुस गया, तो कंपनी का जितना भी टोल था मैंने अचीव करके मैं ये जगह पहुंचाया। तो मैं निवेदन करता हूँ सबको, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। धन्यवाद विष्णुपदा सर के लिए, एक बार जोरदार तालियां। और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है फास्ट ट्रैक में प्रिविलेज अचीवर मिस्टर आनंदमय मलिक सर, इनको हम लोग आने वाले समय में मिलने वाले हैं। नेक्स्ट आई एम नेक्स्ट जो 35 लाख रुपए महीने का मेंटेन कर रहे हैं मिस्टर प्रदीप बराल सर और मिस्टर राजीव रॉय सर, जिनका टोटल इनकम प्रदीप बराल सर का 42 लाख और राजीव रॉय सर का जो है वो 2,42,00,000 रुपए का इनकम जो है वो उन्होंने कर लिया है, तो इन्हें भी हम लोग आने वाले प्रोग्राम में आगे मिलने वाले हैं। तो ये तो थे अभी तक के फास्ट ट्रैक अचीवर्स। यहाँ पे हम आगे बढ़ते हुए हमारे नेक्स्ट कैटेगरी तब जाएंगे जो है फन फेस्ट मलेशिया, जो नेटसअप ने टारगेट दिया था मलेशिया का। तो ऐसे हमारे कुछ अचीवर्स हैं जिन्होंने ये मलेशिया बहुत अच्छी तरीके से अचीव किया इस लॉकडाउन के होते हुए भी। तो मिलते हैं एक एक करके सभी मलेशिया अचीवर्स को, जो है मिस्टर गोपीनाथ रावल सर, इनको हमने देखा था फास्ट ट्रैक में। नेक्स्ट हमारे अचीवर है मिस्टर संजय कुमार श्रीवास्तव सर। ये संजय कुमार श्रीवास्तव सर जो है हमारे, इनके बारे में अगर मैं बोलूं तो ये वर्किंग इंडिपेंडेंटली खुद अकेले काम कर रहे हैं, सीनियर के कम से कम सपोर्ट लेते हुए। नेक्स्ट हमारे अचीवर है मिस्टर सप्तर्षि देव सर, इनको भी हमने सुना जब फास्ट ट्रैक की अचीवमेंट में। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर सुबल चंद्र दास सर, ये फास्ट ट्रैक अचीवर थे हमारे, तो क्लब नेट सब भी इन्होंने अचीव किया है। मिस्टर मिर्जा बुलबुल सर, इनको हमने सुना, ये फास्ट ट्रैक में भी थे। मिस्टर अनिसुर रहमान फास्ट ट्रैक अचीवर है, उसके साथ साथ मलेशिया भी अचीव किया। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर चंडीचरण दास, मलेशिया इंटरनेशनल टूर अचीवर, ये फास्ट ट्रैक में भी थे और मलेशिया भी अचीव किया है। हरिनारायण जना सर, ये भी हमारे फास्ट ट्रैक में भी थे और इंटरनेशनल भी इन्होंने जो है
वो अचीव किया है, सॉरी मिस्टर हरिनारायण सर जो एक ट्यूशन टीचर है बिफोर ज्वाइनिंग नेटसर, और अभी एज अ फुल टाइम नेटसर कर रहे हैं, 1,17,000 रुपए नेटसर के साथ कमाया है। अरूप कुमार सोम सर जिन्हें हमने सुना फास्ट ट्रैक में थे। तो दोस्तों ये सब जब लोग सब इन सब लोगों से जब आप मिल रहे हो तो आपको पता चलेगा कि ये मलेशिया अचीवर जो है वो मैक्सिमम जो है फास्ट ट्रैक अचीवर है। मतलब अगर आप फास्ट ट्रैक में आते हो तो आपका इंटरनेशनल टूर अचीव करने का सपना जो है वो नेटसर के माध्यम से 100% पूरा हो सकता है। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर संतोष कुमार सर, रमाशंकर कुमार सर, इन्होंने सुपरस्टार क्लब के हिसाब से अपना टारगेट अचीव किया फनफेस्ट का। नेक्स्ट हमारे अचीवर है मिस्टर मनोज सिंह, हिमांशु दास और अभिजीत मोहंता सर, फास्ट ट्रैक में भी थे और ऑप्स क्लब के हिसाब से इन्होंने क्लब नेटसर का टारगेट भी अचीव किया है। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर सुजाता चट्टोपाध्याय, मिसेस सुजाता चट्टोपाध्याय और उत्पल मंडल सर, ये सिल्वर क्लब में इन्होंने मलेशिया का टूर अचीव किया है। सिल्वर क्लब टारगेट के हिसाब से एक बहुत बड़ा टारगेट होता है लेकिन इन्होंने इसको चेस करते हुए अचीव किया। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर प्रदीप बराल सर और गोविंद महतो सर, प्रदीप बराल सर ने डायरेक्टर क्लब का टारगेट लेते हुए ये क्लब नेटसर मलेशिया अचीव किया है, और मिस्टर गोविंद महतो सर इन्होंने सीएमडी क्लब का टारगेट लेते हुए ये जो इंटरनेशनल टूर है वो अचीव किया है। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर सपन कुमार दास सर, जो कि करोड़पति क्लब सबसे हाईएस्ट टारगेट इंटरनेशनल का जो लेकर इन्होंने ईस्टर्न जोन में काम किया, इस लॉकडाउन के महीनों में भी इन्होंने 2,57,000 रुपया नेटसर से कमाया जिनका टोटल इनकम है 1,54,00,000। और मिलते हैं मिस्टर सपन कुमार दास सर से कि इन्होंने ये अचीवमेंट कैसे किया। सपन कुमार दास सर। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। पहले हम सब अचीवर को और लीडर्स लोग को बधाई देते हुए जस्ट हमारा एक मैसेज डाल सकते हैं। तो देखिए ये 15 साल से हमारा ये डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का जर्नी है। 15 साल का जर्नी में पहले 5 साल में हमको ये डायरेक्ट सेल मार्केटिंग का बड़ा प्लेटफॉर्म नेट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड मिला। 5 साल से कंटिन्यू, मतलब क्या है कंटिन्यू, जब से हम नेट्स ऑफ स्टार्ट किया तब से कंटिन्यू काम करके आज एक थोड़ा सा पहचान बना। मतलब ऑल इंडिया में जब आप सपन दास जाता है पहले जुट जाता है नेट्स ऑफ, नेट्स ऑफ सपन दास, मतलब क्या है ये पहचान क्या है, ये काम का ऊपर ही पहचान होता है। हमारा जो ऑल इंडिया का टीम है वो टीम का ऊपर हम काम किया, उसका अचीवर के ऊपर काम किया। सिर्फ हमारा इंटरनेशनल बहुत बार गया, बहुत लीडर लोग को लेकर के, जूनियर लोग को लेकर के गया, इनकम भी गया, उसको इनकम का सेट किया। मतलब क्या है, मतलब आपका सिस्टम में, हमारा सिस्टम में जो नेट शॉप का जो प्रॉपरली प्लान वाइज काम करते हैं और वो प्रॉपर प्लान का ऊपर हम काम करते हैं तो 100% फास्ट ट्रैक का ऊपर और फास्ट ट्रैक चलते राइजिंग स्टार और लेवल 1 लेवल 2 का ऊपर काम करते हैं तो ये सक्सेस आज 100% गारंटी के साथ बोलते हैं हम किया, ये करियर किया, आप भी ये करियर कर सकता है। आई कैन वी कैन, ये 100% कर सकते हैं। और लॉकडाउन पीरियड में जो भी बंदा, जो भी लीडर लोग दिखाया जे लॉकडाउन कुछ बड़ी बात नहीं है, पेंडिंग का सिस्टम का बात बड़ी बात नहीं है, ये है मेंटली का बात। मेंटल आपका साफा है तो आज नहीं तो कल आपको 100% सक्सेस मिलेगा। इसीलिए सब आदमी को जय जय नेट साहब, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सपन सर। सपन सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। करोड़पति क्लब के अचीवर है। इसके बाद हम मिलने वाले ऐसे लोगों से जो एक नहीं दो दो कंट्री का टारगेट अचीव कर चुके हैं। दो दो मतलब इन्होंने 9 महीने का टारगेट सिर्फ 3 महीने में अचीव किया। एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स, इनसे भी मिलना चाहिए। तो हमारे पहले एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर है जिन्होंने थाईलैंड प्लस मलेशिया ये दोनों क्लब कंट्री जो है वो टारगेट अचीव किया है। इसमें पहले अचीवर है मिस्टर इंद्रमणि बेहरा सर, बिगिनर क्लब में जिन्होंने अचीवमेंट किया है। दूसरे अचीवर है मिसेस कल्याणी मुखर्जी, जिन्होंने भी बिगिनर क्लब में अपना टारगेट मेंटेन किया है। थर्ड जो हमारे अचीवर है वो है मिस्टर श्याम सुंदर जेना सर, बिगिनर क्लब में। तीसरे हमारे अचीवर है मिस्टर सुरेश कुमार लाड़े सर, ये भी बिगिनर क्लब में इन्होंने अचीवमेंट किया है। फोर्थ जो हमारे अचीवर है मिस्टर अलोक कुमार चटर्जी, जिनसे हम फास्ट ट्रैक के माध्यम से मिले थे ऑलरेडी, इन्होंने भी 2 कंट्रीज का अचीवमेंट ऑलरेडी कर चुका है। और जो हमारे नेक्स्ट अचीवर है थाईलैंड प्लस मलेशिया अचीवर, आइकॉन अचीवर भी है, फास्ट ट्रैक में भी है और बहुत सारे अचीवमेंट्स इन्होंने नेटसब के माध्यम से किया है। ऐसे हमारे मिस्टर आनंद मलिक सर, ग्रेट लीडर ऑफ कोलकाता, इनके बारे में अगर मैं बात करूं या कहना चाहूं तो मैं डेफिनेटली इतना ही कहूंगा कि जो खैरात में मिलती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता, फिर कदर न होती हुनर की
और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। तो कामयाबी खैरात में नहीं मिलती, उसके लिए हुनर चाहिए, मेहनत चाहिए, जज्बा चाहिए। तो ऐसे कामयाब इंसान से मिलता है मिस्टर आनंदमय मलिक सर। मैं आनंदमय मलिक कोलकाता रीजन से, मैं पिछले 4 साल नेट सर्फ जुड़ रहा हूँ, लेकिन मैं 2.5 से 3 साल एक्टिवली नेट सर्फ के काम किया। इसी का वजह से मेरा टीम आज लगभग 12 रीजन से चल रहा है, एवं इसी के वजह से मेरा नेट सर्फ से 48,21,000 इनकम भी आ गया। ओनली इनकम नहीं, इसी का साथ साथ नेट सर्फ का जो लाइफस्टाइल है, नेट सर्फ का टूर फास्ट ट्रैक एंड क्लब नेट सर्फ के दौर पर मैं 7th इंटरनेशनल टूर भी अचीव किया। ये पॉसिबल हुआ कैसे? मेरा एफिशिएंट टीम और नेट सर्फ का जो वर्किंग सिस्टम है, इसी का वजह से। इसी का साथ साथ रनिंग जो फास्ट ट्रैक चल रहा है, मेरा टीम से 22 लोग फास्ट ट्रैक में है, मेरा टीम से हर सारा लोग इंटरनेशनल अचीव किया, क्रूज अचीव किया। आई मीन यहां पर एक बहुत बेहतरीन बढ़िया लाइफस्टाइल है जो इनकम का साथ साथ हम लोगों को मिल चुका है। कमिंग जो जुलाई में फास्ट ट्रैक आ रहा है, यहां से मेरा टारगेट है, मेरा टीम से लगभग 100 डायरेक्ट सेलर को लेकर मैं फास्ट ट्रैक में एंट्री लूंगा। इसी के साथ मैं एक ही मैसेज आपके पास देना चाहता हूं, जो है नेट सर्फ का वर्किंग सिस्टम का ऊपर ध्यान लगा के काम करिए। जो वर्किंग सिस्टम आपका सारा अचीवमेंट, सारा सपना आपका पूर्ण करेगा, आप सक्सेसफुल होगा ही होगा। इफ आई कैन यू कैन। वेरी गुड, थैंक यू आनंदमय सर। ये थे हमारे क्लब नेट सर्फ अचीवर्स जिन्होंने 1 या 2 कंट्री अचीव किया। ये तो ऐसे थे जिन्होंने सिंगल ये क्लब नेट सर्फ के लिए जाने वाले, लेकिन आगे आने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो अकेले नहीं जाने वाले इंटरनेशनल टूर के लिए, ये अपने साथ अपनी वाइफ को भी इंटरनेशनल टूर पे लेके जाने वाले हैं। और लॉकडाउन के कड़े सिचुएशन में इन्होंने ये जो है कपल टारगेट अचीव किया। ऐसे हमारे नेट सर्फ के आइकॉन अचीवर्स, ये ऐसे लोग हैं ना जिनकी लोग मिसालें देना चाहेंगे। आइकॉन मतलब क्या? जिसकी लोग मिसाल देना चाहते हैं, है ना। जैसे बोलते हैं कि आए हो निभाने जब किरदार जमी पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। तो ऐसे ही जमाना मिसाल दे, इसलिए जिन लोगों ने काम किया। इसमें से हमारे सबसे पहले अचीवर है मिस्टर MD अजनबी सर, बहुत ही हार्ड वर्किंग लीडर। आइए सुनते हैं MD अजनबी सर को। MD अजनबी सर। ओके, एक रास्ता ये भी है मंजिलों को पाने का, एक रास्ता ये भी है मंजिलों को पाने का कि सीख लो तुम भी हुनर हाँ से हाँ मिलाने का। क्या बात। दोस्तों, मैं मोहम्मद अजनबी कोलकाता न्यूटाउन में रहता हूँ। नेट सर्फ से जुड़ने से पहले मैं 22 साल BSNL में जॉब करता था। पिछले 14 महीना BSNL में सैलरी बंद हो गया और उसी टाइम से मैंने ठान लिया था कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम करना है नेट सर्फ के माध्यम से। दोस्तों, लॉकडाउन में मेरा इनकम 15 दिन का 35,240 रुपया। इफ आई कैन यू कैन, यस इफ आई कैन यू कैन, क्योंकि मेरा जैसा आलसी आदमी अगर आइकॉन बन सकता है तो आप भी सब कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये सब कुछ हुआ नेट सर्फ का फास्ट ट्रैक सिस्टम से। जब से मैंने फास्ट ट्रैक एंट्री लिया, तब से मेरा पे आउट लगातार बढ़ता गया। दोस्तों, एक बार आप लोग जुलाई महीने में फास्ट ट्रैक में एंट्री लीजिए, फिर देखते जाइए आगे क्या होता है। थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, MD अजनबी सर ने बहुत बढ़िया तरीके से हमें समझाया कि कैसे उन्होंने नेट सर्फ में करियर किया। तो अजनबी सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। आगे बढ़ते हैं, हमारे दूसरे अचीवर है मिस्टर उत्पल मंडल सर, जो आइकॉन अचीवमेंट यहाँ पे कर चुके हैं। इनको आगे हम लोग सुनने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर विष्णुपदा जैना सर, यस डेफिनेटली इनको हम ऑलरेडी सुन चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर शंकर प्रसाद मुजुमदार सर, बहुत ही हार्ड वर्किंग लीडर, इनसे भी हम सुनते हैं। मिस्टर शंकर प्रसाद मुजुमदार सर, ओवर टू यू। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, मायसेल्फ शंकर प्रसाद मुजुमदार। एक्चुअली मैं नेटवर्किंग इंडस्ट्री में यही पहला मेरा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। एक्चुअली मैं दिल्ली से MBA किया था और मैं कॉर्पोरेट दुनिया में 17 साल काम किया था। मेरा मिसेज भी स्कूल टीचर है। मैं जब देखा ये डायरेक्ट सेलिंग डिपेंड करता है विन विन थ्योरी में, उस टाइम मैं सोचा था मैक्सिमम लोगों को इनकम दिलाने के लिए मुझे ये नौकरी कंटिन्यू करना नहीं चाहिए।
उस टाइम मेरा मिसेस बोला था, मैंने दुनिया में आप सबसे बड़ा फूल है, लेकिन उस टाइम मैं ये सोच लिया था, मैं बचपन में मेरा पापा पढ़ाता था एम इन लाइफ, उस टाइम मेरा एक लाइन मुझे याद आया था, उस टाइम वो लाइन था द चॉइस ऑफ अ प्रोफेशन इज अ सीरियस मैटर इन लाइफ। उस टाइम मैं ये सोचा था, मैं 17 साल में मैं जहाँ पे जब छोड़ा था उस टाइम मैं एक स्वीडन का कंपनी का रीजनल हेड था, एट दैट टाइम आई वाज गेटिंग मोर देन 1,20,000 पर मंथ, लेकिन मैं एक नीड में जॉब छोड़ दिया क्योंकि मुझे पता था सक्सेस होने के लिए वन एम वन थॉट One decision होना चाहिए उस टाइम, और मैक्सिमम लोगों को अर्निंग करने के लिए मैं जॉब भी छोड़ दिया था। मेरा मैं ये सोचा था नेट सब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आग बंद करके काम कर सकते हो, और यहाँ पे सक्सेस होने के लिए सबसे बड़ा जो चीज होता है फास्ट टैग है, और फास्ट टैग को मेंटेन कराने के लिए आप जितना मैक्सिमम फास्ट टैग आपका टीम में ले आओगे और जितना अच्छा डेडिकेटेड काम करोगे आप भी सक्सेस होगे, यू विल बी किंग एंड यू विल बी आल्सो किंग मेकर। थैंक यू। वेरी गुड, सही बात कही सर ने कि आप नेटसअप में किंग भी बन सकते हो और किंग मेकर भी बन सकते हो। तो ये अपॉर्चुनिटी दोस्तों मार्केट में इजीली नहीं मिलता। 1,00,000 1,25,000 का जॉब छोड़ के एक बंदा लोगों को 1,25,000 कमा के दे पाए, इसलिए नेटसअप के साथ जुड़ा और कैसे सक्सेसफुल हुआ आपने देखा। अगर शंकर प्रसाद सर कर सकते हैं तो आप सभी लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे आइकॉन अचीवर मिस्टर आनंद मलिक सर, जिनको हमने अभी सुना, तो ये फास्ट ट्रैक में भी थे, ये क्लब नेट सब भी अचीव कर चुके हैं, ये आइकॉन भी अचीव कर चुके हैं, और आगे और हम इन्हें अचीवमेंट के तौर देखने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर मिस्टर राजीव रॉय सर, जिन्होंने आइकॉन अचीवमेंट किया है, इनको आगे भी हम लोग देखने वाले हैं। राजीव रॉय सर को शंकर सर म्यूट कर दीजिए, आगे भी हम लोग देखने वाले हैं राजीव रॉय सर को। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है वो है मिशन कैप अचीवर। दोस्तों अभी तक तो हमने देखा लोग जो है जो अचीवमेंट करने वाले, अभी हम लोग देखने वाले ऐसे कुछ लोग जो नेटसर्प में सफायर प्रेसिडेंट, प्लैटिनम प्रेसिडेंट, डायमंड प्रेसिडेंट, डबल डायमंड प्रेसिडेंट या कैप अचीवमेंट कर चुके हैं। 1 महीने में 1,19,000 रुपए का चेक, 2,19,000 का चेक, 4,19,000 का चेक, 6,19,000 का चेक या 8,19,000 भी महीने में कमाने वाले लोग हमारे पास ईस्टर्न जोन में है, जिन लोगों को मिलना बहुत जरूरी है। देखिए ये लोग अगर लॉकडाउन में 1,25,000, 1,25,000, 1,45,000, 1,28,000 का चेक अगर निकाल सकते हैं तो हम सभी लोग आने वाले समय में डेफिनेटली नेटसर्प में अच्छा करियर कर सकते हैं। आइए मिलते हैं हमारे पहले अचीवर मिस्टर उत्पल मंडल सर को, जिन्होंने सफायर प्रेसिडेंट मिशन कैप जो है वो अचीवमेंट किया है। तो हम सुनते हैं उत्पल मंडल सर को। उत्पल मंडल सर नमस्कार, मैं उत्पल मंडल प्रोफेशनली स्कूल टीचर हूँ। नेटवर्किंग मेरे पैशन था फ्रॉम माय कॉलेज लाइफ, ये नेटवर्किंग इंडस्ट्री मेरे पैशन था, बट दैट टाइम सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला। नेटसअप के साथ जुड़ने के बाद मैं अच्छे तरीके से काम स्टार्ट किया। नेटसअप जो टूल्स दिया उस टूल्स को ऊपर फोकस करने के लिए लास्ट लॉकडाउन जो 2 मंथ मई और जून, इस 2 मंथ के जो मेरे टीम के फर्स्ट टैक जो अचीवर्स है उसका अचीवमेंट के ऊपर काम किया, इसीलिए मेरे और मेरे टीम के अच्छा पे आउट आ रहा है। मैं ये मेरे गर्व की बात है जो आज जो कंपनी ने सुपर लीडर का जो लिस्ट निकाला तो इस लिस्ट में मेरे टीम का 12 सुपर लीडर्स है। मैं ये वादा करता हूँ इस फाइनेंशियल ईयर में इस 12 सुपर लीडर भी मिशन कैप में आ जाएगा। सो एज ए पार्ट टाइमर मैं अगर ये काम कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हैं, इफ आई कैन यू कैन। थैंक यू। वेरी गुड उत्पल सर के 12 लोग जो सुपर लीडर्स है वो आने वाले समय में मिशन कैप करेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट अचीवर की तरफ, वो है मिस्टर विष्णुपदा जेना सर, सफायर प्रेसिडेंट है, इनको भी हमने सुना। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर प्रदीप बराल सर, 4,19,000 डायमंड प्रेसिडेंट अचीवमेंट इन्होंने किया है लॉकडाउन के सिचुएशन में, इन्हें हम लोग आगे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट जो हमारे अचीवर है मिस्टर राजीव रॉय सर, कैप अचीवर, 8,19,000 रुपए का पे आउट, करोड़पति क्लब के हमारे लीडर है और कोलकाता रीजन के OCM। आइए मिलते हैं मिस्टर राजीव रॉय सर से। राजीव रॉय सर, आफ्टर ग्रेजुएशन का बाद हम जॉब अकाउंट्स में जॉब कर रहा था,
और जब करते करते हमारा डायरेक्ट सेलिंग में थोड़ा सा एक्सपीरियंस हुआ, बीटर एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग करते करते हमारा ऐसा कॉन्फिडेंस भी आ गया है, जो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था। तो 2014 में मैं अच्छा किरण सर के वजह से एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला नीट सर, धीरे धीरे काम करते करते आज 5 से 6 साल के अंदर कुल मिला के 2,40,00,000 तो हो गया, और इतना अचीवर भी जितना सारा अचीवर है उसमें 30 से 40% अचीवर हमारा हमारा टीम से ही है। और इसके साथ साथ इस लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत अच्छा इनकम हुआ, 8,00,000-9,00,000 का आसपास हो गया है। तो एक्चुअली देखिए अभी जो सिचुएशन है मार्केट में, देखिए लॉकडाउन पीरियड में हॉस्पिटलिटी का बिजनेस, अभी देखिए जो जॉब कर रहा था इवेंट मैनेजमेंट, हॉस्पिटलिटी, रियल स्टेट, जितना सारा अभी काम कर रहा था उस लोगों का अभी सैलरी भी डिडक्ट हो रहा है, कट हो रहा है, और जॉब भी चला जा रहा है। सिचुएशन को देखिए, लेकिन इस नेटसर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें टेंशन फ्री लाइफ मिलेगा। हमारा साथ जो जो हमारा दोस्त उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो राजी नहीं था, वो बहुत कुछ बोलता था इस ये प्लेटफॉर्म ज्यादा दिन नहीं रहेगा, आज उन लोगों का हाल देखने के बाद हमारा कभी कभी हम ऐसा मालूम होता है, जो देखिए अभी इन लोग भी बोल रहा है जो तुम्हारा ही प्लेटफॉर्म अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारे से भी अच्छा एडुकेटेड है, तो वो भी मान लिया जो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, नेटसर्फ ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सब कुछ दे सकते हैं। अभी देखिए जो लॉकडाउन पीरियड में क्या कर रहा है, घर में बैठे बैठे थोड़ा सा स्किन टू स्किन बिजनेस कर रहा है, और ये स्किन टू स्किन बिजनेस करके भी अभी महीने में वीक हमारा फोर्टनाइट में भी 15 दिन के अंदर 2 से 3 लाख रुपया आ रहा है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, सब कुछ हो सकता है। तो हम उम्मीद कर रहा है सब लोग ध्यान से ये मान लेना चाहिए, जो नेटसर्फ में जितना जल्दी हो सके आपका भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। नमस्कार। वेरी गुड, राजीव सर से हमने सुना कैसे वो बिजनेस कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा कैटेगरी है, जो हम बहुत ही तेजी से बढ़ते हुए अभी प्रोग्राम के क्लोजिंग की तरफ हम लोग जा चुके हैं, तो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है जो पे आउट पैसा जिन्होंने नेटसअप में पिछले 2 महीने में कमाया है। तो पिछले 2 महीने में अप्रैल और मई में मिला के जो इनकम लोगों ने नेटसअप में ईस्टर्न जोन में कमाया है, उसके हिसाब से हर एक क्लब के हिसाब से 5-5 टॉप 5 अचीवर्स को हम लोग यहाँ पे मिलने वाले हैं, और उसमें से एक अचीवर्स को हम लोग सुनने वाले हैं। तो ये ऐसे इनकम अचीवर्स है जिनको आप ही की तरह वो लॉकडाउन की शुरुआत में कुछ जद्दोजहद में थे, प्रॉब्लम में थे, कैसे शुरुआत करें पता नहीं थे, इन्हें भी डर लग रहा था। इनके बारे में अगर मैं थोड़ा सा बात कहूँ बताऊँ तो मैं डर ये जरूर कहना चाहूँगा कि ये लोग खुद ब खुद ऐसा ही कहते होंगे कि डर मुझे भी लगा फासला देख कर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देख कर, खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल मेरा हौसला देख कर। तो इन्होंने इनके हौसले को सलाम करते हुए हम मिलते हैं सबसे पहले हमारे अस्मिता लीडर्स को। तो अस्मिता लीडर्स के बारे में बताने के लिए मैं यहाँ पे इनवाइट करता हूँ अन्वेषा चौधरी मैडम को, जो हमारे अस्मिता। यस सर। हाँ, स्टार्ट कीजिए। ओके, हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, माय सेल्फ अन्वेषा चौधरी, ईस्टर्न जोन अस्मिता मैनेजर। तो आप सभी को पता है नेटसर्फ के लिए आप सभी फैमिली मेंबर की तरह है, और अस्मिता हम नेटसर्फ के फीमेल मेंबर्स को यानी के फीमेल जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है आप ही के तरह, वो उनको पुकारते हैं। अस्मिता का मतलब है अहम, यानी के अहंकार। जैसे कि लोग बोलते हैं बिना फीमेल्स के गाइडेंस के, उनके सहनशीलता के, उनके बुद्धिमत्ता के, उनके मैनेजिंग स्किल के बिना पुरुषों के या फिर किसी के भी जिंदगी अधूरा सा लगता है, मुश्किल सा लगता है। और इसी वजह से फीमेल्स सबके जिंदगी में उनके अहंकार होते हैं, जैसे कि एक पिता के लिए उनकी बेटी, एक बेटे के लिए उनका माँ, एक बहन, एक भाई के लिए उनका बहन, एक पति के लिए उनका पत्नी, ये उनके अहंकार होते हैं। और नेटसर्फ ने उसी अहंकार को, जो कि सबकी जिंदगी सवारती है, उनके जिंदगी को सवारने के जिम्मा लिया है, और उनको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए उनके खूबियों को काम भी लगा के वो खुद अपना सपना पूरा करे, इस भावना के साथ उनके लिए अस्मिता प्रोजेक्ट के जरिए से एक ऐसा रास्ता, ऐसा प्लेटफॉर्म उनके सामने खड़ा किया है जिसके वजह से वो अपना सारा सपना पूरा कर सके।
और उसी अश्मिता प्रोजेक्ट को आज आगे बढ़ाते हुए ईस्टर्न जोन ही नहीं, भारत के हर जोन से घर घर, हर जोन के घर घर से महिलाएं आगे बढ़ रहे हैं और अपना करियर बनाने में जुटे हुए हैं। तो हाल ही में कोरोना की वजह से लॉकडाउन चालू हो गया था और पूरे ईस्टर्न जोन से अश्मिता इस लॉकडाउन में भी बहुत ही अच्छा काम किया है और इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी लगभग ईस्टर्न जोन से पूरे 500 अश्मिताएं पे आउट लिए हैं और उन्हीं में से कुछ ऐसे अश्मिताएं हैं जो फास्ट ट्रैक के जरिए ये अचीवमेंट किए हैं। आज हम उन्हीं में से टॉप 5 अश्मिताओं को रिकॉग्नाइज करेंगे जिन्होंने लॉकडाउन के चलते भी हार नहीं मानी, अपना काम बराबर से किया और नेटसर्फ को अपना वक्त दिया। तो आइए चलिए मिलते हैं उन 5 अश्मिताओं से। तो जो 5वें नंबर पे है वो है मिसेस हेमलता राउत। वो भुवनेश्वर रीजन के हैं और वो बालासोर के रहने वाली हैं। तो वो एक उनके बारे में कुछ बताऊं तो वो एक हाउसवाइफ थी पहले, लेकिन वो भी अपना सपना पूरा करना चाहते थे, वो भी कुछ बनना चाहते थे और उन्हें नेटसर्फ के बारे में पता चला और उसके वजह से वो नेटसर्फ ज्वाइन किए और करंटली उनका जो लेवल है वो है लाइटनिंग स्टार। उनके टोटल इनकम है ₹34,429 और लॉकडाउन में इनका जो पे आउट आया है वो है ₹8,615। तो कॉन्ग्रेचुलेशन मैम, आप 5वें स्थान पे पे आउट लिस्ट में आए हैं। तो अगला जो आए हैं चौथे स्थान पे, चौथे पोजीशन पे, वो है मिसेस सोना दास। तो ये कोलकाता रीजन से बिलोंग करते हैं और वो हावड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो ये एक्चुअली प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट थे, अभी भी वो काम करते हैं लेकिन वो अभी उनका साइड इनकम बन गया और नेटसर्फ में वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं अभी। और उनका जो अभी करंट क्लब लेवल है वो है सुपरस्टार और उनके टोटल इनकम जो है वो है 1,60,679 और लॉकडाउन में इनका पे आउट आया है ₹14,522। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम, आप इस लिस्ट में आप आए, भाग लिए। अभी आते हैं हम हमारे जो तीसरे स्थान पे हैं। तो तीसरे स्थान पे जो है उनका नाम है मिसेस कृष्णा दास। ये भी कोलकाता रीजन से ही है, वो बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो इनके बारे में मैं कुछ बताऊं तो मैं एक स्टोरी बताऊंगी छोटा सा। ये बहुत ही हिम्मत वाली हैं, मतलब हाल ही में इनका एक्चुअली लॉकडाउन सिचुएशन में ही, वैसे भी लॉकडाउन सिचुएशन में लोग बाहर नहीं निकल रहे फिर भी इन्होंने अच्छा काम किया है। तो लेकिन उनके सामने एक लॉकडाउन के जैसे ही एक और भी सिचुएशन खड़ा हुआ था, उनका एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हुआ तो उसके वजह से उनका तबीयत थोड़ा मतलब अभी ठीक नहीं है, लेकिन उनका ऐसा हालत है वो ज्यादा देर तक बैठ भी नहीं पाते हैं एक साथ। लेकिन उन्होंने उस सिचुएशन में भी मुझे बोला कि मैडम नहीं, मैं अभी हार नहीं मानूंगी, मैं अभी भी जूम मीटिंग्स को अटेंड करती हूँ, अपना टीम के साथ करती हूँ, चाहे वो लेटे लेटे ही क्यों ना हो बिस्तर पे, लेकिन मैं वो करती हूँ और मेरे पूरे टीम के साथ मैं काम करती हूँ, उनसे फॉलो अप लेती हूँ। तो देखिए पूरे हिम्मत के साथ इन्होंने भी इस लॉकडाउन सिचुएशन में अच्छा काम किया है। तो उनका करंट क्लब जो क्लब लेवल जो है वो है ऑपस्टा। उनके टोटल इनकम अभी तक ₹56,834 है और लॉकडाउन में इन्होंने पे आउट लिए हैं ₹15,721 के। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं आपको कहना चाहती हूँ और आप ही से सबको ये इंस्पिरेशन भी लेना चाहिए कि ऐसे हिम्मत के साथ सब आगे बढ़े। तो अभी नेक्स्ट जो है वो है हमारे सेकंड जोन के सेकंड पोजीशन पे आए हैं, वो है हमारे मिसेस प्रिया मल्लिक मैम, जो कि भुवनेश्वर रीजन से है और वो भी बालासोर के ही रहने वाले हैं। तो उनके बारे में अगर कुछ मैं बताऊं तो ये बताऊंगी कि वो बहुत ही डायनेमिक एक अश्मिता लीडर है और भुवनेश्वर की जो भी अश्मिता टीम है उनमें से ज्यादातर अश्मिताएं उनके टीम से ही बिलोंग करते हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वो। अभी अभी जो मैंने हेमलता राउत जी के बारे में बताया वो भी उन्हीं के टीम से है और वो भी फास्ट ट्रैक के माध्यम से ही ये अचीवमेंट किया है। और प्रिया मैम भी फास्ट ट्रैक में है और वो
अभी तक दो बार इंटरनेशनल टूर अचीव कर चुके हैं, तो उनके लिए बहुत ही मतलब अच्छा बात है और हम सबके लिए इंस्पिरेशन की बात है आप सबके लिए. उनका जो करंट क्लब लेवल है वो है ऑप्स क्लब. उनके टोटल पे आउट जो इनकम है अभी 42,000 और उनके नॉन इनकम है 26,000. तो मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इतने अच्छे तरीके से काम कर रहे हो और आप सेकंड पोजीशन पे हो इस लॉकडाउन के सिचुएशन में भी. सो नाउ कमिंग टू द लास्ट पार्ट, द लास्ट पर्सन एंड अश्मिता, टॉप 5 अचीवर्स. फाइनली जो अश्मिता ने इस लॉकडाउन में अश्मिता में से हाईएस्ट पे आउट लिए हैं वो है मिसेस कल्याणी मुखर्जी. वो बहुत ही एक डायनामिक एंड एंथुजियास्टिक लीडर है अश्मिताओं के लिए और वो कभी काम को ना नहीं करती है, हमेशा एनर्जेटिक रहती है. तो उनसे मैं जब भी बात करती हूँ हमेशा एंथुजियाज्म के साथ बात करती हैं. तो हमेशा मतलब खुले हाथों से वो सारे कामों को मतलब आजमाते हैं. तो उनका जो करंट क्लब है वो है सुपरस्टार क्लब और वो बहुत ही जल्दी ऑप्सटार ऑप्स क्लब में भी पहुंचने वाले हैं. उनका टोटल इनकम है ₹1,51,371 और इस लॉकडाउन में जो उन्होंने हाईएस्ट पे आउट लिया है वो है ₹35,245. तो उनके लिए एक जोरदार तालियां होनी चाहिए. और वो सिर्फ फास्ट ट्रैक में ही नहीं है, वो फास्ट ट्रैक के जरिए मलेशिया और थाईलैंड भी अचीव कर चुके हैं क्योंकि उन्होंने क्लब नेट सर्व का जो टारगेट है वो 9 महीने की जगह सिर्फ 3 ही महीनों में पूरा किया है. तो आइए हम उन्हें जोरदार ताली के साथ वेलकम करते हैं और उनके जो एक्सपीरियंस है वो सुनते हैं. कृष्ण कल्याणी मैम. हेलो. यस मैम, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस. गुड इवनिंग एवरीबॉडी. मैं कल्याणी मुखर्जी फ्रॉम चंद्रनगर नियर कोलकाता. मैं अच्छे तरीके से हिंदी तो बोल नहीं पाती हूँ लेकिन मैं कोशिश करूंगी. मैं पहले एक प्रोफेशनल सिंगर थी, अभी भी हूँ. मेरा ड्रीम था कि मैं बड़ा सिंगर बनूंगी लेकिन बाद में मैं जब नेटसर्फ का प्रोडक्ट यूज किया तो मुझको बहुत अच्छा लगा प्रोडक्ट और इसका जो नेटवर्किंग प्लान है वो सुन के मुझको लगा कि मैं इसमें काम करूंगी. सितंबर 2019 से मैं पूरा दिल लगाकर काम किया है और फर्स्ट ट्रैक के माध्यम से मैं इतनी दूर तक पहुंच गई हूँ. अचीवमेंट के चक्कर में लॉकडाउन मेरे दिमाग पर कोई असर ही नहीं किया. मैं ऑनलाइन और फोन कॉल्स में सबके साथ बात किया है और बहुत ज्वाइनिंग भी कराया है सबके लिए. स्पेशली अश्मिता के लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि नेटसर्फ कंपनी का जो सिस्टम वो अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो करेंगे तो आप अपने गोल पर जल्दी पहुंच जाएंगे. फाइनली मैं कहूंगी इफ आई कैन यू कैन ऑल्सो. ओके, ऑल द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू मैम, आपने बहुत ही अच्छा बात किया कि अगर आप कर सकते हैं, आपने इतना फोकस के साथ काम किया और यहाँ तक पहुंचे. तो आप सबने सुना कि कैसे इन्होंने अपना गोल्स एक के बाद एक करके यहाँ तक पहुंचे, पूरा करके यहाँ तक पहुंचे और ऐसे ही आगे बढ़ते भी रहेंगे. तो अगर ये जो 5 अश्मिताओं के बारे में आपने जाना आज, ये अगर कर सकती है ये सब तो आप क्यों नहीं वही मनोबल के साथ आगे बढ़े, यही सोच के साथ आइए आगे बढ़ते हैं और हमारे जोनल मैनेजर और आज के होस्ट मिस्टर दिलीप धगे सर को बुलाते हैं प्रोग्राम कंटिन्यू करने के लिए. सर थैंक यू. अन्वेषा थैंक यू. देखिए महिलाएं भी कितना अच्छा काम कर रही है इस जोन में. तो आगे बढ़ते हैं. बिगिनर क्लब जो हमारा है 50,000 के नीचे जिनका टोटल इनकम होता है ऐसे लोगों को, जो जिनमें टॉप 5 लॉकडाउन के अचीवर्स है. पहले अचीवर है मिस्टर आदेश दास जिन्होंने लॉकडाउन में 11,000 रुपया कमाया. दूसरे अचीवर है मिस्टर गोलाम हुसैन जिन्होंने लॉकडाउन में 11,200 रुपया कमाया. तीसरे अचीवर है हमारे जयदेव हल्दर सर जिन्होंने लॉकडाउन में 12,000 रुपया कमाया. चौथे अचीवर है हमारे जन्मेजय साहू सर जिन्होंने लॉकडाउन में 12,000 रुपया कमाया अप्रैल और मई महीने में लगे. तो आइए मिलते हैं हमारे बिगिनर क्लब के टॉप पे आउट अचीवर को जिनका नाम है मिस्टर विकास बेहरा और इन्होंने जिनका लॉकडाउन से पहले इनकम था सिर्फ 1,000 रुपया लेकिन लॉकडाउन में इन्होंने 16,578 रुपया कमाया और ये 16,000 रुपया कमा के ये टॉप पे पहुंचे हैं बिगिनर क्लब में. तो आइए मिलते हैं विकास बेहरा सर को, एक मिनट में वो बताएंगे आपको कैसे इन्होंने ये सक्सेस अचीव किया. विकास बेहरा सर पहले सबको मेरे तरफ से नमस्कार. मैं हूँ विकास बेहरा. मैं मार्च 2020 में ज्वाइन किया था और 3 महीने में मैं फर्स्ट
राइजिंग स्टार हुआ है, सेकंड में सक्षम, थर्ड में L2, तो मैं जो कर सकता है आप भी करो। वेरी गुड, विकास सर के लिए एक बार जोरदार तालियां, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने बोला, कैसे स्टेप वाइज इन्होंने बहुत अच्छा टारगेट अचीव किया। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी लाइटनिंग स्टार क्लब की तरफ। तो लाइटनिंग स्टार क्लब में जो पांचवें नंबर पे आए हैं वो है मिस्टर गयाधर प्रधान सर, इनका लॉकडाउन में इनकम है 19,000 रुपया। चौथे है मिस्टर वरुण कुमार सिंह, जिनका लॉकडाउन में इनकम है 19,000 रुपया। थर्ड है हमारे तुषार कांता गुरु सर, जिनका लॉकडाउन में इनकम मिला हुआ है 22,000 रुपया। सेकंड है हमारे दिलीप कुमार दास सर, जिनका लॉकडाउन में इनकम हुआ है 26,000 रुपया। ये सभी चेहरे आपसे फास्ट ट्रैक में ऑलरेडी देखे थे, इसका मतलब अगर आप फास्ट ट्रैक में है तो आप इनकम वाइज भी टॉप पे नेट सब में रहोगे। और जो टॉप अचीवर है वो है मिस्टर गोपीनाथ रॉल सर, जिनका लॉकडाउन के अप्रैल और मई महीने में जो टोटल इनकम है वो है 31,531 रुपीज का। तो आइए मिलते हैं हमारे गोपीनाथ रॉल सर से। सर गोपीनाथ रावल, मैं प्रोफेशनली स्कूल टीचर हूँ और बेसिकली स्कूल टीचर, बट प्रोफेशनली आई थिंक माय सेल्फ फुल टाइम नेटवर्क है। तो मेरा जो सोच है कि मैं हमारे मिस्टर संजय देशपांडे सर, जिनके बारे में मैं इतना ही कहूंगा कि माना कि पहुंच गया हूँ सफलता की ऊंचाइयों पर आज मैं, माना कि पहुंच गया हूँ सफलता की ऊंचाइयों पर आज मैं, लेकिन लोगों के दिलों में उतरने का हुनर आज भी रखता हूँ। ऐसे लोगों के दिलों में उतर कर लोगों को करोड़पति बनाने वाले, कैप अचीव कराने वाले मिलते हैं मिस्टर संजय देशपांडे सर से। संजय सर। थैंक यू दिलीप सर, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबसे पहले अभी दिलीप सर ने इंट्रोड्यूस करके दिया है 8-19-250, तो अभी यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हुए सबके दिमाग में एक है प्लान, तो सबको मालूम है और दिल के अंदर की आवाज है यार अपना भी होना चाहिए। तो मैं आपको एक बात क्लियर बता रहा हूँ, 2001 में नेशअप मैंने ज्वाइन किया था और कैपिंग में यार 2010 में मार्च की पहली साइकिल, मार्च 2010 से लेके पहली साइकिल से लेके आज तक कैपिंग में हूँ। तो अभी वो सिचुएशन आज की सिचुएशन में आपको थोड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। जब हमने ये नेशअप ज्वाइन किया तब कंपनी नई थी, हम भी नए थे और हमारे पास खाली दो प्रोडक्ट थे, बाकी कुछ नहीं, स्टीम और बायो, ये दो प्रोडक्ट लेके हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो मुझे बताओ अभी आपके पास क्या है। सबसे पहले मैं आपको नेस्टअप के प्लस पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहला प्लस पॉइंट, ये भारत की पहली कंपनी है जो 20 साल मार्केट में काम कर रही है। मुझे कोई एक कंपनी का नाम बताओ जो 20 साल के, भारत की कंपनी बता रहा हूं, भारत की कोई एक कंपनी नहीं है, खाली एक कंपनी है वो है नेटसर्फ। सेकंड प्लस पॉइंट, 57 प्रोडक्ट आपके पास है, हर प्रोडक्ट का रिजल्ट आपके पास है, हर प्रोडक्ट की सीडी आपके पास है, हर लैंग्वेज आपके पास है, बंगाली, ओरिया, हिंदी, मराठी, जो चाहिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेटसअप का बेस बन चुका है। तो अभी यहाँ पे देखना है 20 साल की कंपनी, 57 प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रिजल्ट, ब्रोशर, सीडी, मैनुअल, स्टॉक पॉइंट, उसके बाद में सक्सेसफुल लीडर और उसके साथ में सपोर्ट सिस्टम। तो अभी यहाँ पे देखना है कि हम चाहते हैं 8-19-250, तो क्या कैसे करना है। तो मैं खाली इतना ही बताऊं, अभी तक जितने लोगों ने कैप अचीव की उन्होंने कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, उन्होंने खाली सिस्टम पकड़ी है, सिस्टम। मैं सबसे पहले कैप क्यों, कैप अचीव क्यों, क्योंकि 2008 में जून महीना में सिस्टम लॉन्च हुई थी, क्लब ने सब सिस्टम जो अभी चल रहा है मलेशिया, जो अभी 30 जून को एंड हो रहा है, वो 2008 में सिस्टम लॉन्च हुई थी क्लब ने सब सिस्टम। तो यह क्लब ने सब सिस्टम को मैंने पूरे नेटवर्क में हाईलाइट किया कि पहले बताया आपको खुद को अचीव करना है, नेक्स्ट क्लब में आपके दो लोगों को अचीव करना है, लेग वन लेग टू, वो दोनों को बुलाए उनको दो अचीव करना है, फिर एक, एक का दो, दो का चार, चार का आठ, आठ का 16, ऐसे करते करते ये क्लब की संख्या बढ़ते गई, टर्नओवर बढ़ते गया और मेरा 1,00,000 का चेक डायरेक्ट 8-19-250। तो अभी यहाँ पे जो कैप अचीव देख रहे हो, पहला कैप अचीव 9 साल के बाद, रिकॉर्ड पूरा देश पे दूसरा है मिस्टर किरण भोई, उनका रिकॉर्ड है 3 साल में कैप अचीव, वही रिकॉर्ड उनका डाउनलाइन मिस्टर कुंदन चौधरी 18 महीने में कैप अचीवर, वही रिकॉर्ड उनके डाउनलाइन डेबुदा 17 महीने में कैप अचीवर। तो ये लोग कैप कैसे लगा रहे हैं, तो मैं आपको इतना बता रहा हूं, अपना बिजनेस, आवर बिजनेस दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग, दैट इज आवर बिजनेस, और नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस मंकी सी मंकी डू, बंदर देखता है बंदर करता है। तो आप अगर आपके अपलाइन को देख रहे हो
अगर आपकी डाउनलिंक तो बताओ संजय देशपांडे 25 करोड़ तो ऊपर से जाने वाली चीज है, 25 करोड़ 16 लाख, लेकिन आपका कोई अचीवमेंट है, आप अचीव कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट में खाली मैं एक ही सिस्टम बता रहा हूं, फर्स्ट बिकम अचीवर, खुद अचीवर बनो, ये बिजनेस जो है अचीवमेंट का बिजनेस है। तो अभी नेक्स्ट ने जो सिस्टम दिए राइजिंग स्टार सक्षम अस्मिता लेवल वन लेवल टू लेवल थ्री क्लब नेक्स्ट फास्ट ट्रैक, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट में एक 100% प्रूवन सिस्टम है कि ये फास्ट ट्रैक सिस्टम जो है यहाँ पे 3.5 साल में 1 करोड़ का इनकम होता ही है और लगभग 4 साल के अंदर 8-19-250 आता ही है। तो अभी मैं इतना ही बता रहा हूं, अपने हाथ में जुलाई महीना है, जुलाई महीना आने वाला है, तो अभी ये जून एंड तक कुछ भी करके हमें अचीवमेंट के ऊपर फोकस करना है। जो आपको अचीवमेंट डिसाइड करोगे, शायद आपको राइजिंग स्टार बनना है तो राइजिंग स्टार बनो, साहब आपको L1 करना है L1 करो, L2 करना है L2 करो, L3 करना है L3 करो, लेकिन अभी ये जून एंड तक आप सब लोगों को एक ही काम करना है, फोकस ऑन अचीवमेंट। तो आप जब अचीवमेंट में जाओगे तो आपकी टीम भी अचीवमेंट के ऊपर फोकस करेगी, और जैसे अचीवर की संख्या बढ़ते जाएगी, मैं बता रहा हूं, मैं चैलेंज करता हूं, 3-3.5 साल बहुत ज्यादा है, 8-19-250, तो 2010 में मार्च की फर्स्ट साइकिल में इफ आई कैन देन आल्सो यू कैन। क्या बात, थैंक यू वेरी मच देशपांडे सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। देखिए बहुत एनर्जेटिक, अब मैंने बोला था ना आपको कि लोगों के दिलों को छूने का हुनर रखने वाला आदमी है, ऐसे आदमी से आप ईस्टर्न जोन में सलाह पा सकते हो आगे बढ़ने के लिए। उन्होंने जो बताया, ये सारे मेंटर्स इन्होंने जो बताया, इसके ऊपर गौर कीजिए, अमल फरमाइए, और आप भी नेटसअप में सक्सेसफुल हो सकते हैं डेफिनेटली। और तो प्रोग्राम के एंड की तरफ जाते हुए जैसे मैंने बोला कि ये सब आपने सुना लेकिन अभी क्या, मतलब मैंने सुना लेकिन अभी मेरा क्या, तो मैं कहता हूं कि ये सब आपने सुना इसलिए क्योंकि जो तीन मेंटर ने बताया, सारे अचीवर्स ने जो बताया कि वो कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं, तो आप नेक्स्ट सुपर लीडर बन सकते हो ईस्टर्न जोन के नेटसर्व के। आप में वो ताकत है, काबिलियत है, हुनर है, जरूरत है सिर्फ नेटसर्व के सिस्टम से काम करने की और सीनियर के सपोर्ट से, सीनियर जैसे बोल रहा है उस तरीके से काम करने की। उतना ही करते हैं तो आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पे बैठा हुआ अटेंड करने वाला हर एक बंदा जो है वो नेटसर्व में करोड़पति और कैप अचीवर बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें खुद से कोशिश करनी पड़ेगी, जो देशपांडे साहब ने बोला ना, ये जून महीने में हमें कुछ ना कुछ करना जरूरी है, जैसे कि जुलाई में आने वाले फास्ट ट्रैक में हम फास्ट ट्रैक में एंट्री कर पाए और आने वाले 3 सालों में, मैक्सिमम 3 साल बोल रहा हूँ, 1000 दिनों में आप करोड़पति या कैप अचीवर नेटवर्क में बन सकते हो। लेकिन इसके लिए हमें एक कदम खुद उठाना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, खुद से कुछ ना कुछ कोशिश करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो अंत में आपको सभी को मैं इतना ही जरूर कहूंगा कि मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है ना। तो कोशिश करना जरूरी है, कोशिश करते रहो, डेफिनेटली आप सुपर लीडर बन सकते हो नेटसर्व में। तो ये सुपर लीडर बनने के लिए आपको मेरी तरफ से, सभी के मेंटर्स की तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन दोस्तों मुझे अभी याद है, मैंने हमने शुरुआत में बोला था जो हमारा सिस्टम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, आप में से 3 भाग्यवान लकी विजेताओं को सुनने वाला है जो अंत तक इस पूरे सेशन को सुन रहे थे, नेटसअप में सच में करियर करना चाह रहे थे। तो अभी अगर मैं देखता हूं तो कुछ 430 लोग हैं जो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन 430 लोगों को 10 सेकंड का समय दीजिए, सिस्टम में हम लोग एंट्री कर रहे हैं और इसमें से हमें 10 सेकंड के बाद 3 लकी लीडर्स जो है मिलने वाले हैं। तो 10 सेकंड का टाइम दीजिए, मैं सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहा हूं एंड दिल थाम के बैठिए। आप में से कोई 3 लोग है जो सरप्राइज गिफ्ट अचीव करने वाले ईस्टर्न जोन की तरफ से, यस एंड द रिजल्ट इज इन फ्रंट ऑफ मी। तो वो 3 लकी लोग हैं जो पूरे 2 घंटे प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, सिस्टम के साथ अच्छे से सुन रहे थे, और जो आने वाले समय में नेटसअप में करोड़पति कैप अचीवर बनने वाले हैं। तो सबसे पहले जो गिफ्ट अचीवर है हमारे आज के इस प्रोग्राम के, वो है मिस्टर विद्युत भट्टाचार्य जी। मिस्टर विद्युत भट्टाचार्य जी जो किसी के टीम से है, जो यहाँ पे है, मुझे पता है अभी भी वो प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो सबसे पहले है हमारे विद्युत भट्टाचार्य जी, दूसरे है हमारे मिस्टर महेश दास सर। तो महेश दास सर हमारे दूसरे लकी विजेता है आज के प्रोग्राम के, और तीसरे है मिस्टर पूर्ण चंद्रा कर सर। तो मैं नाम फिर से एक बार रिपीट करता हूं, मिस्टर विद्युत भट्टाचार्य जी, मिस्टर महेश दास और मिस्टर पूर्ण चंद्रा
कर सर, पूर्ण चंद्रा कर सर को हमारे एक मैनेजर जो है वो भी देख रहे थे। वो पिछले 2 घंटे से खड़े रहकर ये ट्रेनिंग या ये जो सेशन है वो सुन रहे हैं। तो हमारे एआई सिस्टम ने बताया कि ये सबसे एक्टिव है आज के ट्रेनिंग में, 2 घंटे से स्टैंडिंग पोजीशन पे ये प्रोग्राम सुन रहे हैं। तो विद्युत भट्टाचार्य जी, पूर्णचंद्र कर जी और महेश दास सर जी को हमारी तरफ से मिलता है एक नेटसब का बैग और नेटसब का डायरी गिफ्ट। आपके रीजनल मैनेजर जो भी रहेंगे वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आपके सीनियर के थ्रू, वो आपको ये गिफ्ट जो है वो आने वाले समय में आप तक पहुंचाएंगे। तो क्लोजिंग में मैं अंत में इतना ही कहूंगा जो मैंने कहा, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश ही ना करें ये तो गलत बात है दोस्तों। तो कोशिश करो, जुलाई में फास्ट ट्रैक में एंट्री करनी है हम सभी को, इस प्रोग्राम में, इस सुपर लीडर की लिस्ट में आप सभी का नाम आए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सभी मेंटर्स का यहाँ पे धन्यवाद देना बोलना चाहूंगा कि इन्होंने आके हमें, हमारे सभी फ्यूचर लीडर्स को, सुपर लीडर्स को यहाँ पे गाइडेंस दिया। और सभी अचीवर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ आने वाले फ्यूचर अचीवमेंट के लिए। आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, और आप सभी लोग आज के इस प्रोग्राम में जुड़े इसके लिए आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, शुक्रिया। और मिलते हैं नेक्स्ट सुपर लीडर प्रोग्राम्स में आने वाले नेक्स्ट मंथ में। तो सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और आज की मीटिंग यहीं पे खत्म करते हैं।